भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर आरएसएस ने महानगर के 16 स्थानों में अलग अलग पथ संचलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल आरएसएस के पदाधिकारियों ने कहा कि विश्व में जितने भी कैलेंडर हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और वैज्ञानिक कालगणना केवल भारतीय पंचांगों से ही की जाती है। विश्व का कोई भी कैलेंडर यह नहीं बता सकता है कि किस दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन हमारी पूरी भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक और प्रमाणिक है। कार्यक्रम में मौजूद विद्वान वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश सरकार में एक योजना के तहत लॉर्ड मैकाले ने साल 1850 में एक सर्वे कराया जिसमें उत्तर भारत में 97% साक्षरता और दक्षिणी भारत में 100% साक्षरता की रिपोर्ट आई। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया तो पता लगा कि भारत में 7,32,000 गुरुकुल हैं जिनमें 18 विषयों की वर्तमान हायर एजुकेशन दी जाती है। उस समय देश में 7,50,000 गांव के यानी हर गांव में एक गुरुकुल का औसत था। लॉर्ड मैकाले ने इन सभी गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया और 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर अंग्रेजी शिक्षा का कानून घोषित किया। इस प्रक्रिया से हमारी संस्कृति नष्ट कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को खत्म कर हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया। यह अवसर है कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें और इसको हर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि आज का दिन सृष्टि की रचना का पहला दिन माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। संत झूलेलाल की जयंती, विक्रम संवत का शुभारंभ, गुरु अंगद देव का प्रकोत्सव, आर्य समाज की स्थापना, संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जन्म समेत तमाम सुप्रसंग इस दिन ही मिलते हैं। नव वर्ष भारतीय नव संवत्सर मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भारतीय नववर्ष विश्व के अंदर सबसे उत्तम वैज्ञानिक कालगणना है। विश्व का कोई भी कैलेंडर ये नहीं बता सकता कि किस तारीख को चंद्रमा का आकार क्या होगा। यह केवल वैज्ञानिक कैलेंडर जो है वो भारत है, उसी के आधार पर सारे विश्व का विज्ञान चलता है। हमको मालूम होगा कि आर्यभट्ट महर्षि के द्वारा ही 0 शून्य का आविष्कार किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना शून्य के कोई भी गणना संभव नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज हमारी संस्कृति को इस प्रकार से विभत्स कर दिया गया है कि हम अपने इस संस्कृति पर गौरव नहीं बल्कि अपने आप को छोटा समझते हैं। लॉर्ड मैकाले ने भारत की पूरी शिक्षा पद्धति को तहस नहस करने का जिम्मा लिया था। सन 1850 में हमारे देश के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे जिनके अंदर हायर एजुकेशन होती थी और 18 विषयों की पढ़ाई होती थी। लॉर्ड मैकाले ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू करके उनको अवैध घोषित कर दिया और उनको समाप्त कर दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1850 में एक सर्वे कराया गया था जिसमें उत्तर भारत में 97% साक्षरता थी और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता थी। लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारतीय संचित शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया, भारतीय संस्कृति को समाप्त कर दिया गया। अब समय है हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का और इसके द्वारा जो विज्ञान है वो पूरे विश्व को एक प्रकाश रोशनी दे रहा है। आज हम नववर्ष कार्यक्रम के साथ साथ, ये हमारा नववर्ष है, 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं होता है, उस समय कोई ऐसी वो नहीं होती कि जो कोई प्रफुल्लित करती हो, ना तो वहाँ रात्रि अच्छी होती है ना दिन अच्छा होता है, ठंड का वातावरण होता है।